Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wounds can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can. What's going on guys, this is Bulking Guy here. तो आज हम बात करेंगे कि आपको अपने बैक वर्कआउट में कौन कौन सी एक्सरसाइज जरूर ऐड करनी चाहिए और मेरी कौन सी तीन फेवरेट बैक एक्सरसाइजेज हैं जो मैं रोज लगाता हूँ, मतलब रोज नहीं अपने हर बैक डे पे लगाता हूँ। पहली एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है बैक के लिए अगर आप सही फॉर्म में लगाएं इसे। पहले मैं भी इसे गलत फॉर्म में लगाता था, उससे काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बैक में। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वे ईगो लिफ्ट करते हैं डेडलिफ्ट में, वे अपनी सिर्फ जान दिखाने के लिए अपने काफ़ी बैक प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। तो ऐसा ना करें, आराम से मतलब अपनी लिमिट्स को तो पुश करें लेकिन ईगो लिफ्ट ना करें। डेडलिफ्ट पहले करेक्ट फॉर्म में नहीं मारता था, ये मेरी एक साल पहले की वीडियो है, तो अब मैं इसे करेक्ट फॉर्म में मारता हूँ और अभी की वीडियो देखिए आप। तो दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं। दूसरी है हमारी वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। ये आपकी बैक को वाइड करने में काफ़ी मदद करेगी ये एक्सरसाइज। ये मैं पिछले 2 साल से जब भी मैं बैक मारता हूँ इस एक्सरसाइज को हमेशा मारता हूँ। आपने देखा होगा मेरे लैट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो यही है उनका राज। तीसरी है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। तो ये एक्सरसाइज मैं हमेशा बैक वर्कआउट के एंड में लगाता हूँ, ये फिनिशर के रूप में लगाता हूँ मैं। तो इसके मैं 2 या 3 सेट मारता हूँ 15-15 रैप के साथ। ये मेरी पूरी बैक बर्न कर देती है, मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है इसमें। सो दैट्स फॉर द डे गाइस, ओवर एंड आउट।